पढ़ाने जा रहा हूँ सीजी बोर्ड से क्लास फिफ्थ चैप्टर 9 सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है सममित। तो सिमेट्री मतलब सममित होता क्या है, पहले हमारा यही क्वेश्चन है। आपको डिमॉन्स्ट्रेशन से समझाऊंगा कि सिमेट्री क्या है, तब आपको समझ में आएगा ये क्या है। पसंद है तो बीच से हाफ हाफ मतलब बीच से ऐसे मोड़ दे ऐसे, तो यह भाग और यह भाग दोनों सेम हो गया, मतलब एक दूसरे को कवर कर लेगा। इस फिगर को हम कहते हैं सिमेट्री। इस फिगर को जो पसंद है इसको कहेंगे सिमेट्री, क्योंकि ये जो डंडा लगा हुआ है, क्योंकि ये जो डंडा लगा हुआ है, ये डंडा के इधर का भाग और डंडा के इधर का भाग दोनों आपस में ऐसे कवर कर लेंगे, एक दूसरे को छिपा लेंगे। मतलब जैसा इधर का भाग होगा वैसे इधर का भाग होगा, तो इस पतंग कहेंगे सिमेट्री फिगर। इसको देखो, ये है एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, एक रेक्टेंगुलर पेपर है, रेक्टेंगुलर पेपर आयताकार पेपर है। अब इसको हम ऐसे बीच से फोल्ड कर दें, बीच से यहां से फोल्ड करें ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लिया, इधर का भाग और इधर का भाग पूरा पूरा कवर हो गया। तो ये जो फिगर है सिमेट्रिक फिगर है और ये जो है, ये जो लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो पूरा फिगर है इसको बोलेंगे सिमेट्रिक फिगर। अब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन और मिलेगा ऐसे फोल्ड करके कर दे, तो ये जो लाइन है ये इसको पूरा पूरा कवर कर लिया इसको और इसको, जैसा ये जैसे इधर का है वैसे इधर का है, तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लिए। तो ये भी फिगर जो है सिमेट्रिक फिगर है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा, ये जो लाइन है ये कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करें इस तरह से, तो ये देखो ऐसे हम कोने से इस कोने को फोल्ड कर रहे हैं। तो अब ये देखो दोनों एक दूसरे को कवर कर नहीं रहे, इधर का भाग निकल आया है बाहर और इधर का भाग निकल आया है बाहर। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं बनेगा, लेकिन यह एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। ये ऐसे दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, इस तरह से भी एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा, दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा, इस तरह से भी नहीं बनेगा, इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे तो भी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम ऐसे मिलाते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा, ऐसे मिलाते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। तो समझ में आ गया। तो यहां पर इस फिगर में देखो, ये एक बटरफ्लाई तितली है, इसके यहां से अगर हम बीच से एक एक्सिस खींचे, एक लाइन खींचे, तो ये भाग और ये भाग दोनों एक दूसरे को छिपा लेंगे, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लाइन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा। इसमें देखो ये है, तो अगर हम ऐसे बीच से लाइन खींचे तो ये भाग और ये भाग दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो यह जो फिगर है सिमेट्रिक फिगर है, मतलब सममित फिगर है। यह सिमेट्रिक फिगर मतलब सममित फिगर है, क्योंकि यह भाग ऐसे फोल्ड करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये जो होगा सममित फिगर बनेगा, और ये जो लाइन होगा इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन मतलब घुमाने वाला, रोटेशन मतलब क्या होता है, घुमाने वाला। अगर इस लाइन की यह लाइन है, इस लाइन के हम इधर घुमाएंगे तो ये भाग और ये भाग दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ढक लेंगे, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। और ये फिगर, इस फिगर को कहेंगे सिमेट्रिक फिगर। ये फिगर जो सममित फिगर है, सममित चित्र, सममित चित्र है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब सममित अक्ष, सममित अक्ष। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, सममित अक्ष। बी को देखो, अगर हम ऐसे कट करेंगे इस तरह से, तो यह भाग और यह भाग कवर नहीं, ढकेंगे नहीं, कवर नहीं करेंगे, तो यह सममित फिगर नहीं बनेगा, यह एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा,
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरा पूरा कवर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ऐसे खींचते हैं लाइन, मान लो हम लाइन ऐसे खींचे, तो ये वाला भाग ऊपर से घुमाएंगे नीचे आएगा, ये वाला भाग नीचे को पूरा पूरा कवर कर देगा, ढक देगा, तो ये जो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, लेकिन यह एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, अब सी में देखो, यह सी लिखा है, लेटर सी है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हम ऐसे खींचते हैं तो इसको इस लाइन के घुमाते हैं ऐसे, तो यह भाग इसको पूरा पूरा कवर नहीं करेगा, पूरा कवर ढकेगा नहीं, तो ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा। लेकिन ये वाला भाग अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं इस तरह से, तो ये वाला भाग ऊपर से ये घूम करके नीचे आ जाएगा, तो ये इसको कवर कर लेगा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, अब ये देखो, यहां से अगर हम खींचते हैं लाइन और ये हम इसको घुमा करके यहाँ लाते, इसको हम घुमा करके यहाँ लाते, तो क्या होगा? ये वाला भाग ये वाले भाग को पूरा पूरा कवर कर लेगा, यानी कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। मतलब है कि ये जो अक्ष है ये इस सममित अक्ष होगा, और यहां से भी अगर खींचेंगे यहां से ऐसे, तो ये वाला भाग ऊपर से घुमाएंगे नीचे, ये वाला भाग ऊपर से घुमाएंगे नीचे आएगा, तो ये वाला ऊपर वाला भाग नीचे वाले को पूरा पूरा कवर कर लेगा, तो यह भी सममित अक्ष होगा, हो गया ना? तो सममित अक्ष यह भी होगा और यह भी होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यह भी होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यह भी होगा, और ये जो फिगर होगा इसको बोलेंगे सिमेट्रिक फिगर, मतलब सममित चित्र बोलेंगे इसको। अब इसमें देखो ये है, अगर हम लाइन ऐसे खींचते हैं और इस लाइन से हम ऊपर से ऐसे घुमा करके नीचे लाते हैं, तो ये वाला भाग नीचे वाले को कवर कर लेगा, तो यह भी सममित अक्ष होगा। ऐसा करते हैं, ऊपर से खींचते हैं ऐसे लाइन, और अब हम इसको इधर से घुमा के ऐसे लाते हैं, इसको घुमा करके ऐसे लाते हैं, तो ये वाला भाग नीचे वाले को, ये वाला भाग इस भाग को पूरा पूरा कवर कर लेगा, तो यह भी सममित अक्ष होगा। और इस फिगर को बोलेंगे, इस चित्र को बोलेंगे सममित चित्र, यानी सिमेट्रिक फिगर, और इस अक्ष को बोलेंगे सिमेट्रिक एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, या इसको हम और बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों नाम है इसका। इस अक्ष जो लाइन है उसको बोलते हैं, और जो फिगर जो चित्र है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर, जो चित्र उसको बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर, और जो लाइन है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन या सिमेट्रिक एक्सिस। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप उसको करना है। अब मैं आपको बुक से करवाता हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिए, बुक से करवाने जा रहा हूं।